नवंबर 2023 दिल्ली के अग्रवाल मेडिकल सेंटर में असगर अली नाम का एक व्यक्ति गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए मेडिकल सेंटर के चक्कर काट रहा था। समस्या बढ़ने पर वहां पर कार्यरत डॉक्टरों ने कहा कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए असगर भाईजान मान भी गए। सर्जरी करने की ड्यूटी मिली थी डॉक्टर जसप्रीत को, जो की एक क्वालिफाइड सर्जन थे, मगर लास्ट मोमेंट पर किसी कारणवश डॉक्टर जसप्रीत नहीं आ पाए, जिस वजह से उनको रिप्लेस करके डॉक्टर पूजा अग्रवाल और डॉक्टर महेंद्र सिंह को सर्जरी करने की ड्यूटी मिली। अब मेडिकल लाइन में कई बार ऐसा होता है कि जब डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट टाइम नहीं होता ना, तो दूसरे डॉक्टर को केस हैंडओवर कर दिया जाता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद पूजा जी और महेंद्र ने असगर के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कंप्लीट करके उन्हें फ्री कर दिया, जिसके बाद टेक्निकली उनकी समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बाद पेशेंट को इतना असहनीय दर्द होने लगा कि उससे झेला ही नहीं जा रहा था, जिस वजह से सीवियर कंडीशन देखते हुए पेशेंट को तुरंत गंज हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया। लेकिन असगर जब अस्पताल पहुंचे तब वहां के डॉक्टर्स ने उसे आते ही मृत घोषित कर दिया, और कुछ इस तरह असगर की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मौत हो गई। मगर ये इस कहानी का अंत नहीं है। असगर के परिवार वालों ने आवाज उठाई और मेडिकल सेंटर पर आरोप लगाया बिना मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करे सर्जरी करने का, और बवाल ज्यादा बढ़ने पर जब पुलिस मैटर में कूदी तो ये पता चला कि जो पूजा अग्रवाल सर्जरी करने गई थी ना, वो तो असल में सर्जन नहीं बल्कि फिजिशियन थी, जो सर्जन होने के जाली डॉक्यूमेंट लगाकर ऑपरेशन कर रही थी। और उनके साथ ऑपरेशन में असिस्ट करने वाले महेंद्र सिंह भी कोई डॉक्टर नहीं थे बल्कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन थे। इन दोनों को ना सर्जरी का एस भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी जाली डॉक्यूमेंट लगाकर इन दोनों ने एक व्यक्ति के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसकी जान ले ली। मामला जब ज्यादा बढ़ा तो ये पता चला कि बीते 7 सालों में ये लोग 7 पेशेंट को ऐसे ही जाली ऑपरेशन करके खत्म कर चुके थे। पर चूंकि बहुत से परिजन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन को इस अंजाम का कारण मान चुके थे, इसीलिए किसी ने कभी भी इतनी आवाज नहीं उठाई। अब बेशक ये सुनने में आपको बहुत बड़ी चीज लग रही होगी, मगर जितना सीरियस ये मुद्दा है उसे कभी भी उतना सीरियसली लिया ही नहीं जाता। भारत में आज जगह जगह आपको ऐसे दलाल मिल जाएंगे जो नकली डॉक्यूमेंट्स और डिग्री सप्लाई करते हैं, जिनसे लोग कुछ लाख रुपए में डिग्री खरीद कर ऐसी पोस्ट पर बैठ जाते हैं और फिर ना सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बल्कि कई बार उनकी जान तक ले सकते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रशासन तो गया, सोशल मीडिया भी ध्यान नहीं दे रही है, और आज के इस वीडियो में हम इसी जाली दस्तावेजों के पूरे घोटाले को एक्सपोज करते हुए आपको इसकी गंभीरता से रूबरू करवाएंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। अब दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि वैध डिग्री भारत में सिर्फ एक ही तरीके से हासिल की जा सकती है, और वो है उसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़कर या रिसर्च करते हुए। अब चाहे आप डिस्टेंस डिग्री करें या ऑनलाइन, सेमेस्टर के एग्जाम सबको देने ही पड़ते हैं, जिस वजह से उन एग्जाम्स के लिए सिर्फ पढ़ने से ही किसी को कुछ नहीं तो उस फील्ड का एक बेसिक आइडिया तो लग ही जाता है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पढ़ने में इतने कामचोर होते हैं या इतने नाकाबिल कि वो ना तो कॉलेज जाते हैं ना डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनसे सेमेस्टर ही नहीं निकल पाएगा। ऐसी कंडीशन में वो लोग किसी ब्रोकर से मिलते हैं, उसे लाखों रुपए दे देते हैं, जिसके बदले में ब्रोकर या यूं कहूं कि फॉर्जर या तो उन्हें जाली दस्तावेज बनाकर दे देता है या उनके नाम की डिग्री किसी और बच्चे के नाम पर निकलवा लेता है, जैसे 3 Idiots मूवी में भी हुआ था। इन शॉर्ट, MBBS की डिग्री जिस कॉलेज से होगी वो कॉलेज असली होगा, मगर सर्टिफिकेट और उस पर भरी गई डिटेल्स पूरी तरह से नकली। हालांकि ये नकली कॉपी भी इतनी ज्यादा असली लगती है कि कोई असली और नकली में फर्क ही ना बता पाए, जब तक कि खुद कॉलेज से कोई वेरीफाई करने पर उतारू ना हो जाए। अब दोस्तों, पैसे देकर बिना पढ़ाई किए निकलवाई जाने वाली इसी डिग्री को फेक डिग्री कहते हैं, और जो बिना या ऐसी डिग्री के साथ किसी रेस्ट्रिक्टेड पोस्ट पर काम करता है उसे फेक प्रोफेशनल कहा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसी फर्जी डिग्री वाले मुश्किल से 100 या 200 लोग ही होते होंगे, राइट? मगर मैग्नीट्यूड सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नवंबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने दालचंद मेहरोलिया और महावीर कुमार नाम के 2 लोगों को अरेस्ट किया डिग्री फॉर्जिंग के इल्जाम में। उन दोनों ने बताया कि कोविड के बीच उन्होंने ये जाली डिग्री बेचने का काम शुरू किया था, और जरा गैस करके देखो, हाई स्कूल की मार्कशीट से लेकर PhD तक सब कुछ छापने के वो दोनों 20,000 से लेकर 2.25 लाख रुपए तक लिया करते थे। और पता है महज 3 सालों में उन्होंने कितनी फॉर्ज्ड क्वालिफिकेशंस बनाई थी? 2,000 से ज्यादा। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि उन फेक डिग्रीज के सहारे ना सिर्फ कुछ लोग भारत में अच्छी नौकरियां कर रहे थे बल्कि कुछ तो अब्रॉड में भी तगड़ा पैकेज उठा चुके
चुके थे। 2000 सुनने में बहुत बड़ा आंकड़ा लग रहा होगा, मगर ट्रस्ट मी, ये शायद डिग्री फॉर्जिंग के सबसे छोटे केसेस में से एक है, क्योंकि रियल प्लेयर्स के नंबर 5 figures के नीचे जाते ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हिमाचल प्रदेश की मानव भारती यूनिवर्सिटी, जो खुद एक यूनिवर्सिटी होने के बावजूद एजेंट्स के थ्रू लोगों को फेक डिग्री सप्लाई किया करती थी। और साल 2010 से लेकर आज तक इस यूनिवर्सिटी ने पता है कितने लोगों को जाली डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूट करी थी? द आंसर इज 46,000 से भी ज्यादा। और ये तो वो फिगर है जो हमारे सामने रखा गया है, असली आंकड़ा कितना होगा ये तो भगवान ही जाने। साल 2022 में हैदराबाद पुलिस ने भी ऐसे ही एक फेक डिग्री रैकेट का भांडा फोड़ा था, जिसमें ना सिर्फ 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो बीटेक और बीएससी कंप्यूटर साइंस की फेक डिग्रीज के लिए 1.5 से 3.5 लाख रुपए दिए थे, बल्कि उन स्कैमस्टर्स को भी अरेस्ट किया गया जो ये डिग्री प्रोवाइड करवाते थे। अब देखो, मजे की बात यहां पर भी यही है कि इस स्कैंडल में भी एजेंट्स और साइकिल में नीचे मौजूद लोगों ने यही कहा कि उन्हें पर डील का केवल 10% ही मिलता था, जबकि बाकी पैसा उन यूनिवर्सिटीज की टॉप पोजीशन पे बैठे वो लोग खाते थे जो उन फेक डिग्रीज को फैसिलिटेट करवाते थे। हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद ने फर्जी सर्टिफिकेट वाली यूनिवर्सिटीज के नाम भी दिए, जिनमें से कुछ है मध्य प्रदेश में मौजूद सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी और यूपी में मौजूद ग्लोकल यूनिवर्सिटी। नाउ इन केस किसी को लग रहा हो कि हम इन्हें डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे नाम टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुद अपने इस आर्टिकल में डाले हैं, जिसमें से काफी डिटेल तो हम समय की किल्लत की वजह से बता नहीं रहे, लेकिन फिर भी अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने ये वीडियो गिराने की कोशिश की तो फिर हमें भी उस पर इन डेप्थ रिसर्च करने पर उतारू होना पड़ेगा। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने भले ही कुछ बड़े नंबर्स की बात करी है, बट ट्रस्ट मी, अभी भी ये नंबर्स टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है। अब अगर ग्राउंड लेवल पर सच में कोई इन्वेस्टिगेशन करने जाए तो ये स्कैंडल्स $1 billion तक के बार को भी क्रॉस कर सकता है। इस सिस्टम को इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब ऐसे और ना जाने कितने नोन और अननोन प्लेयर्स इस समय मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान आज नहीं तो आज से कुछ सालों बाद हम सबको ही झेलना पड़ेगा। अब दोस्तों, भारत जैसे देश में फेक डिग्री होल्डर्स का एम्प्लॉयमेंट गेन करना नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर एक बहुत बड़ा खतरा है। देखो, अगर कोई बंदा फर्जी डिग्री के बदले किसी पोजीशन पर बैठता है ना, तो ये उस देश की वर्किंग कैपिटल और कंज्यूमर क्लास दोनों के लिए खतरनाक है। लेकिन कैसे? वेल, जुलाई 2023 में तमिलनाडु में एक बच्चे की जान चली गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस बच्चे को बुखार था, और जिस क्लिनिक में उसके माँ बाप डॉक्टर समझ के अपने बेटे को ले गए थे, उस क्लिनिक में बैठने वाला शख्स कोई डॉक्टर था ही नहीं, और नॉलेज ना होने के चलते उसने गलत इंजेक्शन बच्चे को लगा दिया, जिससे उसकी जान चली गई। अब अगर उस दिन वो नकली डॉक्टर वहां पे ना होता, तो किसी असली डॉक्टर की प्रेजेंस में एक मासूम की जान भी बच जाती और किसी के घर का चिराग ना बुझता। और उस एक शख्स ने ना सिर्फ किसी असली MBBS या मेडिकल प्रोफेशनल की एम्प्लॉयमेंट खाई, बल्कि एक बच्चे की जान भी ले ली, और सब कुछ हुआ सिर्फ एक फर्जीवाड़े की वजह से। ये स्कैंडल सिर्फ मेडिकल तक ही सीमित नहीं है। अभी जनवरी 2024 में भी UPSIT ने 4,000 ऐसे टीचर्स को सस्पिशन में डाला जो फेक डिग्री के सहारे गवर्नमेंट टीचर बनकर सालों से सैलरी ले रहे थे। अब आप ही जरा बताइए कि जब ऐसे फर्जी डिग्री वाले बिना पढ़े लिखे लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएंगे, तो सोशल मीडिया में खस्ता हालतों की तस्वीरें नहीं आएगी तो और क्या आएगा? लोग यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर गवर्नमेंट द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। पर मैंने खुद कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स को देखा है जहाँ इतना फंड आता है कि कई प्राइवेट स्कूल्स की उतनी नहीं होगी, मगर वो पैसा स्कूल के ही लोग आपस में खा जाते हैं और बच्चों की वेलफेयर के लिए उसे कभी भी यूज नहीं किया जाता। अधिकारी जब इंस्पेक्शन करने आते हैं ना, तो उसे भी रिश्वत देके भेज दिया जाता है और स्कूल केवल सरकारी कागजों में स्मार्ट बनकर रह जाता है। अब अगर इन्हीं 4,000 फर्जी टीचर्स की बजाय ट्रू कैंडिडेट्स इन पोस्ट पर बैठे होते ना, तो ना सिर्फ बच्चों को सही एजुकेशन मिलती जिससे कि इनका विकास होता, बल्कि हमारे और आपके टैक्स के पैसे जो इन टीचर्स पर खर्चा जाता है ना, वो भी सही लोगों के हाथ में जाता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गवर्नमेंट टीचर्स खराब है, पर मैं जिनकी बात कर रहा हूं ना, वो खुद ही समझ गए होंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया और इंडियन वर्कफोर्स का नाम खराब होता है। WHO ने अपने रिपोर्ट में सीधा ये बोल दिया था कि भारत के 57% डॉक्टर्स मेडिकली क्वालिफाइड ही नहीं है, जो इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के लिए बहुत बड़ा डीमीनिंग स्टेटमेंट है। और पता है vice.com ने इस रिपोर्ट को रेफर करते हुए आर्टिकल की शुरुआत कैसे की थी? आर्टिकल की शुरुआत उन्होंने तेलंगाना में रहने वाले वीरागंधम तेजा नाम के 23 साल के शख्स के कमाल के मेडिकल करियर से की। 23 साल के उम्र में ही बंदा 16
ज्यादा अस्पतालों में काम करने के साथ साथ पुलिस के साथ कोविड में माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प करने में भी लगा था। पुलिस भी उसको बड़े सम्मान से देखती थी, मगर 10 सितंबर को किसी केस के सिलसिले में जब पुलिस उसके घर गई तो ये पता चला कि तेजा 5वीं पास भी नहीं था और उसके सारे कागजात जाली थे। इस आर्टिकल में उस घटना का भी जिक्र था जब बिना किसी मेडिकल डिग्री वाली एक औरत ने बागपत के हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरी अटेम्प्ट की थी और पेशेंट की हालत इतनी खराब कर दी थी कि वो बस मरते मरते बची थी। बिजनेस इनसाइडर तक ने 2020 में रिपोर्ट किया था कि भारत के 80% इंजीनियर्स इंप्लॉयबल ही नहीं है और ये दौर AI बूम के पहले का है। इस तरह की घटनाएं और रिपोर्ट्स इंटरनेशनल इंप्लॉयर्स के मन में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। अब इंडिया की रिस्पेक्ट नो डाउट ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है और हर कोई ब्राइट इंडियन माइंड्स पर इन्वेस्ट भी कर रहा है, मगर इस तरह की घटनाएं उन इंटरनेशनल इंप्लॉयर्स को इंडियंस के प्रति डाउटफुल बना देती है कि क्या वो जिस बंदे पे क्वालिफिकेशंस देख के बेट लगा रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशंस असली है भी या नहीं, जिस वजह से इंडियंस की क्रेडिबिलिटी ग्लोबली कम होती रहती है और इसका असर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स और इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट्स फॉर इंडिया को भी काफी हैविली अफेक्ट करता है। एक बंदा है जिसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के चांसेस है, जबकि दूसरा बंदा है जो पक्का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब अगर आपको 15 लाख का पैकेज देना होगा तो आप उसी को देंगे ना जिसको लेकर आप अश्योर होंगे। अब ज्यादा से ज्यादा फेक डिग्री होल्डर्स का होना ऑथेंटिक डिग्री होल्डर्स को इनसिग्निफिकेंट बनाने लगता है और ऐसे इमेजिनरी सिनेरियोज रियल लाइफ में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट भी ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना चाहती है जहां ऑथेंटिसिटी और सक्सेस के चांसेस चीप रेट में रिलेटिवली ज्यादा हो। मानव भारती यूनिवर्सिटी के सैकड़ों डिग्री होल्डर्स सिंगापुर, USA, मलेशिया और कनाडा जैसी जगहों पर सालों से एम्प्लॉयड थे। एज ए कंपनी एंड कंट्री ऐसी घटना होने के बाद अगली बार ऐसे रीजंस पर बेट लेना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से सरकार को इस मुद्दे को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अब ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स की डिग्निटी और हार्डवर्क ही नहीं बल्कि ये बात हमारे देश के ऑनर की भी है। सभी स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने स्टेट्स में कुछ स्पेशल सेल्स बनानी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करे। इन सेल्स का काम होना चाहिए स्पेशली फेक डिग्री होल्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने का, ताकि कोई और अपनी जान ना खोए और किसी काबिल का हक उससे ना छीना जाए। वैसे भी अभी रिसेशन और AI की वजह से जॉब्स नहीं है, ये डिफेमेशन उस थोड़े से कोड को भी कम कर देगा। नॉट ओनली दिस, सरकार को ऐसे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ भी बहुत क्लोज आई रखनी चाहिए जो या तो फेक डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं या तो उन्हें फैसिलिटेट करवा रही है। अब अगर उन्हें किसी इंस्टीट्यूशन पर इसका शक भी होता है ना तो इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन बिना बायसनेस और करप्शन के होनी चाहिए और अगर इंस्टीट्यूशन दोषी निकलती है ना तो उसका एफिलिएशन रद्द करना चाहिए। बच्चों को अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने चाहिए और सारे कल्प्रिट्स को पकड़ने के साथ साथ उस इंस्टीट्यूशन के एग्जीक्यूटिव्स जैसे चेयरपर्सन और चांसलर्स पर भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, इतने बड़े स्कैंडल्स बिना किसी एग्जीक्यूटिव लेवल बंदे की जानकारी के हो ये बात कुछ हजम नहीं होती। इस तरह के एक्शंस लेने से ही वापस से लोगों के ट्रस्ट एजुकेशन सिस्टम पर आ पाएगा और इंटरनेशनली इंडियन डिग्रीज की वो रिस्पेक्ट रिटेन हो पाएगी, वरना इस तरह के आर्टिकल्स की संख्या बढ़ती ही रहेगी। अभी सिचुएशन को और कैसे टैकल किया जा सकता है और ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे घटनाएं हुई है तो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी जिसमें हमने बात किया है कि क्यों अरबपति लोग बंकर्स बना रहे हैं, क्या कुछ ऐसा होने वाला है भविष्य में जो कि हमें नहीं पता और इन अरबपतियों को पता है। यहाँ क्लिक करो और जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।